हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 9। यज्ञ अर्थात कर्मणो नत्र लोकोयम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। तो भगवान यहाँ पे बड़ा ही साइंटिफिक, देखिए भक्ति का जो प्रोसेस है ना, बहुत ही साइंटिफिक है, ऐसा भावनाओं पे नहीं लगा हुआ है, भावुकता का नहीं है, या ऐसा नहीं कि कभी लगेगा कभी नहीं लगेगा, जुआ नहीं है, या वो बच्चे जाते हैं ना एंट्रेंस एग्जाम में तुक्का लगाते बोलते हैं, तो ऐसा नहीं कि कभी लगेगा कभी नहीं लगेगा, किसी को भक्ति में सक्सेस मिलेगा किसी को नहीं मिलेगा, नहीं, सबको मिलेगा जो ये प्रोसेस को फॉलो करेगा, सबको सेम रिजल्ट मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए भगवान कर्म करने की बात कर रहे हैं, कर्म तो सबको करना है, जन्म लेने से मृत्यु तक हम कर्म करते ही रहते, कर्म नहीं छूटे, जन्म के पहले भी गर्भ में बच्चा कर्म कर, अभी छोटे बच्चे का क्या कर्म है, वो थोड़ा सा खाएगा रोएगा सोएगा, उसका वही, क्योंकि उसके पास एक ही भाषा है रोना, अब उसको तो और कुछ बोलना नहीं आता, फिर थोड़ा बड़ा हो जाएगा फिर बैठना चालू करेगा फिर चलना चालू करेगा फिर बोलना चालू करेगा फिर वैरायटी का अलग अलग खाना खाएगा फिर धीरे धीरे खेलना चालू करेगा फिर स्कूल जाएगा फिर और पढ़ाई करेगा फिर कॉलेज जाएगा फिर जॉब करेगा या बिजनेस करेगा, ऐसा करते करते रिटायर होगा फिर मॉर्निंग वॉक में जाएगा, चबूतरे पे बैठ के अपने संगियों के साथ कुछ बातचीत करेगा। कर्म तो छोड़ नहीं सकते, कोई भी कर्म को नहीं त्याग सकता। कोई कहता है कि नहीं मैं सबको छोड़ के हिमालय में बैठ के तपस्या करूँगा, वो भी कर्म है, बैठने का कर्म कर रहा है ना, सांस ले रहा है, उसका भी बॉडी का अंदर फंक्शन जो है बॉडी पार्ट जो है वो चल रहे हैं, तो कर्म तो कर रहा है। तो इसलिए भगवान कहते कर्म से तो नहीं बच सकते, सबको कर्म करना है। कितने लोग हैं संसार में, 750 करोड़ की आबादी में कितने लोग हैं जो ये चाहते हैं कि हम कुछ कर्म करें और हमको उससे दुख मिले, कोई नहीं, कोई भी नहीं, भले वो गलत काम कर रहा है भले वो अधर्म में है लेकिन वो सुख प्राप्त करना चाहता है, इच्छा उसकी वही, तो उसको पता नहीं है वो तो अलग बात है। इसलिए प्रामाणिक गुरु से सीखना चाहिए, भगवान से सीखना चाहिए, उनके आश्रय में रह के हमें कर्म करना चाहिए। तो कर्म करना जरूरी है, कर्म के बिना कोई नहीं रह सकता। दूसरा, क्यों कर्म कर रहे हैं, सुख प्राप्त करने के लिए, आनंद प्राप्त करने के लिए। संसार के सारे कर्म बंधन में डालने वाले, चाहे कर्म हो चाहे विकर्म हो, कर्म मतलब पुण्य जो शास्त्रों में दिया है और विकर्म मतलब जो शास्त्रों में बोला गया नहीं करने के लिए वो कर रहे हैं, तो दोनों का कुछ फल आएगा और फल लेने के लिए आपको फिर से आना पड़ेगा बंधन। कौन व्यक्ति है संसार में जिसको बंधन अच्छा लगता है, तो कर्म बंधन किसी को भी अच्छा नहीं लगता। अब फिर से आते हैं, कर्म करना जरूरी है, कर्म क्यों कर रहे हैं, सुख के लिए आनंद के लिए, लेकिन जो संसार में हम कर्म कर रहे हैं उससे बंधन मिल रहा है मतलब दुख मिल रहा है। तो आप पूछेंगे वेट अ मिनट, रुको, मैं कर्म कर रहा हूं, ठीक है करना पड़ेगा, कर्म से मुझे सुख और आनंद की अनुभूति होनी चाहिए क्योंकि वही मेरी अभिलाषा है, लेकिन मुझे मिल रहा है दुख, मैं कर्म क्यों करूं। इसीलिए कुछ लोग अज्ञानता के कारण वो सोचते हैं कि हम कर्म क्यों करें, वो चले जाते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं, जॉब छोड़ देते हैं, घर छोड़ देते हैं, उनको कोई मतलब नहीं, लेकिन वो नहीं जानते कि वो भी एक कर्म है। आप कर्म के बंधन में और फंसोगे तो फिर इसका इलाज क्या है, कैसे निकलेंगे इसमें, तो आप बता रहे हो कर्म करो बंधन कर्म बंधन कर्म बंधन और दुख मिलता है कॉन्स्टेंटली, तो बाहर कैसे निकलेंगे। तो भगवान यही बता रहे, यज्ञ अर्थात कर्मणों अन्यत्र लोकयम कर्म बंधन। यज्ञ मतलब भगवान विष्णु, भगवान विष्णु यज्ञपति हैं, यज्ञेश्वर हैं, वही यज्ञ भी है, तो जो भी कर्म करें वो भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण उनके लिए करें, उनकी प्रसन्नता के लिए करें। उससे क्या होगा, उससे जो कर्म बंधन में हम फंसे हुए हैं उससे बाहर निकल जाएंगे और नया बंधन नहीं लगेगा हमारे ऊपर। आगे ऐसी अध्याय में कुछ लोगों बाद भगवान समझाएंगे कर्म क्या है, विकर्म क्या है, अकर्म क्या है, वो तब देखेंगे। तो भक्ति अकर्म है। जब आप जॉब करते हैं, एक गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, तो आप जॉब पे जाते हैं अपने, वहां कुछ कर्म करते हैं, कर्म करते हैं, कैसे करते हैं, कौन निर्धारित करता है आप क्या करेंगे, गवर्नमेंट निर्धारित करती है।
अगर मान लीजिए गवर्नमेंट की एक फैक्ट्री है हथियार बनाने की, हथियार बनाने की फैक्ट्री में आप एक सिक्योरिटी इंचार्ज है जिसका सेवा है कि देखना कि जो फैक्ट्री से हथियार तैयार होकर आ रहे हैं वो प्रॉपरली रखे हों और सिर्फ ऑथोराइज्ड जो लोग हैं उन्हीं को दिया जाए, क्योंकि वो फिर देश के अलग अलग कोने में पहुंचाएंगे। आप सिक्योरिटी इंचार्ज हैं तो ये आपका काम है। लेकिन अगर आप बोलेंगे नहीं इतने सारे हथियार बाहर जा रहे हैं, दो चार हथियार मैं भी घर ले जाता हूँ या फिर मैं भेज देता हूँ, एक बॉक्स भी हथियार भेज दिया तो क्या बड़ी गवर्नमेंट का कौन सा नुकसान होने वाला, लेकिन ये तो इल्लीगल हो जाएगा। तो जैसे ही पता पड़ेगा, क्योंकि आजकल तो हर जगह सीसीटीवी लगे हैं, हर एंगल से सीसीटीवी लगे हैं, जैसे ही पता पड़ जाए कि आपने हथियारों का जो सिक्योरिटी है उसको न कर उल्टा कुछ वहां से निकाल के बेच दिए या आपने यूज में ला दिए, तो क्या होगा, या आपने कर्म कर दिया अपने भोग के लिए, इसीलिए बंधन में आ जाओगे, जेल में चले जाएंगे, सजा मिलेगी। तो कर्म बंधन क्यों लगता है, हम गलत कर्म करते हैं इसलिए कर्म बंधन लगा। अगर भगवान से पूछे हम या भगवान के प्रतिनिधि से पूछे कि मुझे क्या करना चाहिए, तो भगवान बोलेंगे तुम ये करो। जब हम वो करेंगे उससे भगवान प्रसन्न होंगे। जैसे गवर्नमेंट को प्रसन्न कर रहे हैं ना, सिक्योरिटी इंचार्ज बन के हम हथियार का ये फैक्ट्री का जो है इसका सिक्योरिटी कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट को प्रसन्न कर रहे हैं कि चलो हमारा जो हथियार है वो तो सेफ है, तो आपको सैलरी मिलता है, फैसिलिटी मिलता है। लेकिन अगर आप अपने हिसाब से करेंगे, अपने भोग के लिए करेंगे कि हथियार बेच दिया अपने यूज के लिए ले लिए, तो फिर क्या होगा, बंधन। भगवान की प्रसन्नता के लिए करने का मतलब है जो भगवान कह रहे हैं वो करना, वही करना हमको, उसमें क्या होगा, आप बंधन में नहीं फंसेंगे और जो पुराने बंधन है भी वो भी धीरे धीरे छूट जाएंगे। जैसे एक कॉलेज स्टूडेंट्स का बैकलॉग होता है, मान लीजिए कोई इंजीनियरिंग स्टूडेंट 8 सेमेस्टर है और बीच में 3-4 एग्जाम का बैकलॉग है, क्योंकि वो पढ़ता नहीं था, ध्यान से अटेंड नहीं करता था क्लास, लेकिन अब वो टीचर को सिंसियरली फॉलो करता है, टीचर उसको पढ़ा रहा है और धीरे धीरे वो करता रहेगा, एफर्ट डालता रहेगा, तो उसका बैकलॉग भी क्लियर होगा और आगे नया बैकलॉग नहीं लगेगा। तो ये बैकलॉग क्या, यही कर्म बंधन है। तो हमको कर्म तो करना है लेकिन हमको उससे मुक्ति चाहिए, आनंद चाहिए, सुख चाहिए, तो तब मिलेगा जब भगवान कृष्ण के लिए कर्म करेंगे भगवान कृष्ण के अनुसार। कहाँ से पता पड़ेगा, दो सोर्सेस। कैसे पता पड़ेगा, भगवान क्या हमारे सपने में आएंगे या भगवान हमारे सामने आएंगे, नहीं हम उतने क्वालिफाइड नहीं। तो भगवान के उपदेश गीता में मिलेंगे और भगवान क्या चाहते हैं हमसे वो एक प्रामाणिक गुरु बताएंगे। कोई भी व्यक्ति नहीं बता सकता, कोई भी गुरु नहीं, जो प्रामाणिक होगा वही बता सकता है ये क्या करना है। जब होम करेंगे तब क्या होगा, पुराने जो बंधन है वो धीरे धीरे छूटते जाएंगे और आगे कर्म करोगे उसका बंधन नहीं लगेगा और आप मुक्त संग समाचर, आप संग से, संसार के संग से मुक्त होके आगे बढ़ते हुए आनंद को प्राप्त करेंगे। हरे कृष्ण।